क्या हालचाल, मेरा नाम है सचिन और आज की वीडियो में हम एडिट करेंगे सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली टोन सैक्सोफोन। इस टोन के काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि इसका एक एडिटिंग वीडियो लाइए, तो आज की वीडियो में हम इसी को एडिट करना सीखेंगे। सिटी एक्स 9000 इन या 8000 इन जिन्होंने भी नया कीबोर्ड लिया है वो भी इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से ही इसको एडिट करेंगे और जिनके पास पहले से ये वाला कीबोर्ड है वो भी इस टोन को एडिट कर सकते हैं। तो हर बार की तरह जैसे कि मैं कहता हूँ कि जब भी आपने किसी भी टोन को एडिट करना है तो आपने सबसे पहले तो कीबोर्ड को एक बार ऑफ करना है, ऑफ करके ऑन करना है, जिसके बाद आपका जो कीबोर्ड का कुछ स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, 307 नंबर यहाँ से प्रेस करना है सीधा, 307 नंबर यहाँ से डायल पैड दिया हुआ है, यहाँ से जैसे हम डायल करेंगे तो आपके स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का टोन आएगा हार्ड सैक्सोफोन के नाम से। इसी टोन को हम मॉडिफाई करेंगे, तो मॉडिफाई करने के लिए फंक्शन कमांड को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास आता है अटैक टाइम। तो इसका अटैक टाइम हमें हमने बढ़ा के 70 नंबर पर रखना है 70। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है डायल पैड में, यहाँ पर एरो का निशान भी दिया गया है, इसका मतलब है कि हमें आगे जाने के लिए इसका यूज़ करना है। तो हमारे पास आता है रिलीज टाइम, तो इसको भी हमने बढ़ा के 72 के आसपास रखना है रिलीज टाइम, ताकि हमारा साउंड जो है प्रॉपर तरीके से रहे। इसके बाद फिर से 3 नंबर से आगे जाएंगे तो हमारा आता है कट ऑफ, तो कट ऑफ हमने बढ़ा के 85 नंबर पर रखना है ताकि हमारा साउंड थोड़ा खुल के आए। आगे जाके हमारा आता है रेसोनेंस, तो इसमें हमने 85 नंबर पे इसको भी सेम टू सेम रखना है, इससे आपका साउंड ना ज़्यादा फटेगा ना ज़्यादा इकट्ठा होगा। फिर से आगे जाएंगे वाइब्रेटो, इसमें एंटर करेंगे तो इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, तो एंटर नहीं करना अपने, आपने नॉर्मली 3 नंबर से आगे जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्टेव शिफ्ट हमने 0 रहने देना है। 3 नंबर से आगे जाएंगे तो वॉल्यूम अपने 100 अपने हिसाब से रख सकते हो। फिर से आगे जाएंगे 3 नंबर से तो 63 नंबर पे काफ़ी है। आगे जाके देखते हैं तो हमारा आता है रिवर्ब सैंड, अब रिवर्ब सैंड हमने थोड़ा सा बढ़ाना है क्योंकि हमें एक अच्छी क्वालिटी की टोन तैयार करनी है, तो इसको हमने बढ़ा के 62 नंबर पर रखना है, इतना काफ़ी है। फिर से आगे जाएंगे तो कोरस सैंड आएगा, तो कोरस सैंड को भी हमने बढ़ा के थोड़ा सा 46 नंबर पर रखना है, इससे आपका साउंड थोड़ा सा रिमिक्सिंग में आएगा थोड़ा सा। फिर से आगे जाएंगे 3 नंबर से तो यहाँ पर आता है डीले सैंड, डीले सैंड भी नॉर्मली इतना रखना है कि आपका साउंड जो है अच्छा बना रहे, तो डीले सैंड को हम रख देंगे 93 नंबर पर। इसके बाद हमारा टोन बन चुका है, डीएसपी हमने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, साथ लिखा हुआ है एग्जिट, तो यहाँ पर हमने एक बार प्रेस करना है तो ये एग्जिट ऐसे आता है। फिर यहाँ पर प्लस का बटन दिया गया है, इसको एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर राइट करने के लिए पूछेगा, फिर से यस करेंगे तो हमारा अब ये टोन बन चुका है। तो इस टोन का हमने नाम देना है, नाम देने के लिए हमें यहाँ पर रिकॉर्ड और स्टॉप का बटन लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो हमारा आता है टोन नेम। टोन नंबर में 6 नंबर से एंटर करेंगे तो यहाँ पर अब हमने इसको बनाना है एस, 3 नंबर से आगे जाएंगे तो यहाँ पर ए लिखेंगे, इसलिए मुझे अब काफ़ी सारे टोनों के जो है नेम ही याद नहीं है कि कौन सी टोन हमने एडिट की हुई है, इसलिए मैं अब इसका ट्राई करता हूँ कि मैं नेम जो है साथ में सेव करूँ। ध्यान रहे गाइज कि जब भी आप किसी टोन को बनाएं तो आप नेम सेव कर लीजिए, जैसे हमारा नेम बन जाता है उसका फिर से 6 नंबर से एंटर करेंगे सियोर पूछेगा यस। अब 4 नंबर से एग्जिट आते हैं तो हमारा टोन बन चुका है। अब इफेक्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले हमने इसको लॉन्ग प्रेस किया था, अब हम इसको शॉर्ट प्रेस करेंगे
तो हमारा था टच, तो हमें तीन नंबर से आगे जाएंगे, तो तीन नंबर से आगे जाने के बाद हमारा डीले, डीले हमने यहाँ पर 14 नंबर पर रखना है क्योंकि हमारा ये फेवरेट लॉन्ग पेन वन है। आप चाहो तो कोई भी एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास कोई और मॉडिफाइड सिस्टम है तो आप इसको नॉर्मल रखिए, वरना आप 14 नंबर पे इसको सेट कर सकते हो। इसका तो एग्जिट आएंगे और किसी भी बैंक में इसको आप जैसे सेव करोगे तो आपका जो टोन है मॉडिफाई होकर बन जाएगा। भाई एक बार इसका फिर से एक बार डेमो देख लेते हैं। तो काफ़ी प्यारा हमारा सैक्सोफोन बना है। जब आप इसको किसी भी रिदम के साथ प्ले करोगे तो आपका भी काफ़ी प्यारा इफेक्ट मिलेगा। इसका साउंड ना ज़्यादा फट रहा है, ना ज़्यादा इसका कम आ रहा है, प्रॉपर तरीके से अपना टोन्स बना हुआ है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं काफ़ी सारी वीडियो एडिटिंग की लाता रहता हूँ। आपका सपोर्ट रहा तो गाइस हम आगे भी काफ़ी सारी और वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।